Assalamualaikum, welcome to the tasty kitchen recipes. आज मैं आपको बनाना बताऊंगी चिकन स्पेगेटी. ये एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बच्चों को, बड़ों को और गेस्ट के लिए, आप किसी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं. ये हमारे रूटीन के खानों से हटके थोड़ा सा डिफरेंट होती है, सो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो पहले मैं आपको दिखाऊंगी. मैंने इसके लिए चिकन लिया है 250 ग्राम, इसको मैंने स्मॉल जूलन शेप में कट कर लिया है. बोनलेस चिकन मैंने लिया है. उसके बाद मैंने लिया है हाफ टी स्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून मैंने लिया सॉल्ट, 1 टीस्पून मैंने लिया विनीगर. अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून. अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूंगी चिकन को किचन में और इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए. ये मैंने इसमें विनीगर को मिक्स किया, ये मैंने अदरक और लहसुन के पेस्ट डाला, ब्लैक पेपर और सॉल्ट. ये मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है. अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए साइड पर रख दूंगी. अब मैं आपको दूसरे इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ जो मैं स्पेगेटी में यूज़ करूँगी. स्पेगेटी और वेजिटेबल्स में जो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो मैंने 400 ग्राम स्पेगेटी ली थी उसको बॉईल कर लिया है. उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के और 1 टेबलस्पून नमक डाल के 12 कप पानी डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया था. बॉईल करने के बाद ड्रेन करके आप उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें. इस तरह से स्पेगेटी आपस में जोड़ती नहीं है. उसके अलावा जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं वो मैंने केचप लिया है 4 से 5 खाने के चम्मच. उसके बाद मैंने जो वेजिटेबल्स में लिया है, एक मैंने ऑनियन लिया है उसको मैंने स्लाइस कर लिया है. उसके बाद मैंने एक छोटी शिमला मिर्च ली थी उसको भी स्लाइस कर लिया है. एक मैंने गाजर लिया है, कैरेट, अगर आपके पास पिंक नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद मैंने व्हाइट ऑनियन यूज़ किया है 2 टेबल स्पून और ग्रीन ऑनियन मैंने यूज़ किया है 3 टेबल स्पून. ये फ्रेश ऑनियन है और ये मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी. 2 मैंने क्लोव लिए थे गार्लिक के, यानी कि लहसुन के 2 जवे ले लें और 1 मैंने हरी मिर्च को लेकर उसके सीड्स निकाल के उसको जूलन में कट कर लिया बारीक बारीक. ये दोनों चीज़ें मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी. उसके बाद मैंने रेड चिली लिया है 1, उसको मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है. और जो स्पाइसेस में मैंने लिए हैं उसमें लिया है 1/2 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली क्रश लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने ओरिगानो लीव्स लिए हैं. अगर आपके पास ओरिगानो लीव्स नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं. सिरका लिया है, विनीगर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, सॉल्ट मैंने लिया है 1/2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है. अब हम इसको बनाएंगे. अब आप एक पैन लें, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के डाल लें. फिर उसमें चिकन डालें. जब चिकन के कलर चेंज हो जाए तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं. मैंने इसमें सॉल्ट इसलिए कम यूज़ किया क्योंकि इसमें सोया सॉस भी यूज़ करूँगी तो सोया सॉस में भी नमक होता है, उसका फिर ज़्यादा नमक ना होता है. ये मैंने ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स, सोया सॉस और विनेगर ऐड कर दिया. मैं इसको उसको दोनों के लिए मिक्स करूँगी. तमाम स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद फिर उसमें केचप भी डाल दें. इसको मिक्स करके फिर इसमें वेजिटेबल सारी डाल दें. केचप को डाल के अभी इसमें हरी मिर्च एक मैंने ली थी चॉप की थी वो डाल दी है. इसको 1 मिनट फ्राई करके फिर बाकी चीज़ें डाल दें. अब इसमें शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा है वो डाल दें. इसको 1 मिनट के लिए फुल आंच पे फ्राई कर लें. वेजिटेबल मिक्स हो जाए तो इसमें 3 से 4 चम्मच पानी के डाल दें ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए. और इसके बाद हम इसमें स्पेगेटी ऐड करेंगे. स्पेगेटी ऐड कर दें जो कि मैंने आपको बता दिया था कि मैंने कैसे बॉईल की है और इसको इसमें मिक्स कर दें.
ये देखिए इसमें ये स्पेगेटी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन ऐड कर दें, ये बहुत ही अच्छी सी लुक आ रही है। अब हम इसको, ये फाइनली तैयार हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मैंने स्पेगेटी को डिश आउट कर लिया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर लहसुन और जो मैंने ली थी ग्रीन चिली उसको मैंने फ्राई कर लिया था अब, और अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डालूंगी। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए ग्रीन चिली और रेड चिली फ्लेक्स जो मैंने यूज़ किया था आप उसको स्किप कर दें, बस काली मिर्च का ही ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि थोड़े से स्पाइसी मैंने बनाए हैं। हमारी स्पेगेटी तैयार हो चुकी है और मैंने उसको प्रॉपर कर लिया सबसे, और उसको केचप के साथ भी ऊपर से मैंने डिश आउट में कर दिया प्रेजेंटेशन के लिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की लगती है, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी और इसकी पिक्चर भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।